दोस्तों, आपने अपने आसपास तो तरह तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखे होंगे और आपके मन में भी उनको देखकर ये आता होगा कि आखिर ये हमारा क्या ही कर लेंगे। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कीड़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आपकी पूरी सोच ही बदल जाएगी, क्योंकि इनके काटने से लोगों की मौत भी हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो आइए जानते हैं टॉप 5 डेंजरस बग्स इन द वर्ल्ड। नंबर 5, जाइंट वाटर बग्स। दोस्तों, ये प्यारा सा दिखने वाला छोटा सा बग्स इतना खतरनाक होता है कि ये एक छोटी सी मछली से लेकर एक बड़े से सांप का भी शिकार करने से नहीं हिचकिचाता। पानी में पाए जाने वाला ये बग्स इतना फुर्तीला होता है कि ये पलक झपकते ही अपने शिकार को पकड़ लेता है। और बात करी जाए इसके दिखने की, तो दिखने में ये कॉकरोच की तरह लगता है, मगर आपको मैं बता दूं कि इसे कॉकरोच समझने की भूल से भी मत करिएगा। और अगर आपको ये कभी दिख जाए तो तुरंत वहाँ से भाग लेना, क्योंकि इसके काटने पे बहुत तेज जलन और इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। और ये अपने बच्चों को अपनी पीठ पे कुछ इस तरह से लेके चलते हैं। नंबर 4, मॉस्किटोस। इस नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे। और अगर बात करी जाए कि ये इतने खतरनाक क्यों हैं, तो आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि इनके काटने से तरह तरह की बीमारी पाई जाती हैं। मगर इनके बारे में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो कि शायद ही आपको आज से पहले पता हो। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन्हीं मॉस्किटोस के काटने की वजह से सालाना 12 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 3, बोट फ्लाइज। आइए जानते हैं मधुमक्खी की इस प्रजाति के बारे में, जो कि आम मधुमक्खी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब ये मधुमक्खी किसी भी इंसान को काटती है तो ये उसकी स्किन में एक पैरासाइट नाम का केमिकल छोड़ देती है, जिसकी वजह से उसकी स्किन में उस जगह पर व्हाइट स्पॉट पड़ जाता है। और इस मधुमक्खी की सबसे घिनौनी चीज ये है कि ये जब भी किसी इंसान को काटती है तो ये उसके अंदर अपना अंडा छोड़ देती है। इसके बाद उस इंसान के शरीर के अंदर ही इसके बच्चे जन्म लेते हैं। वैसे सुनने में कितना अजीब लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, टेस्टेस फ्लाइज। अफ्रीका में पाए जाने वाली ये मधुमक्खी अफ्रीका में जो बीमारी फैलाती है उसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। इस बीमारी का इलाज अगर समय रहते नहीं किया गया तो इंसान की जान भी जा सकती है, और कहा जाता है कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट भी बहुत ही मुश्किल से होता है। नंबर 1, किलर बीज। दोस्तों, इनके नाम से ही पता चलता है कि ये मधुमक्खी कितनी ज्यादा खतरनाक होंगी। वैसे दिखने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल हनी बी की तरह लगती है, मगर कुछ चीजें इन्हें उनसे बिल्कुल अलग बनाती है, जैसे कि ये मधुमक्खी बहुत गुस्सेल स्वभाव की होती है। और अगर बात करी जाए इनके डंक की, तो उसमें एक अलग तरह का जहर पाया जाता है जिससे किसी भी इंसान की मौत चुटकियों में हो जाती है। और ये मधुमक्खी बहुत आक्रामक होती है, तो आपको अगर ये मधुमक्खी कहीं भी दिखे तो तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो लेना। वैसे कौन से बग्स आपको सबसे ज्यादा डेंजर लगे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपसे ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपनों का ख्याल रखिए। बाय।